हो गया क्या? चलो भैया भैया, फिर से कोरोना पर सरकार कितनी गंभीर है और कितनी चिंतित है ये दर्शाता है। और अगर सरकार का यही रवैया रहा है तो भगवान का आशीर्वाद है। देख रहे हैं, मैं जो मास्क पहना हूँ ये असली मास्क है, और यहाँ इस सदन में जो सरकार हेमंत सरकार जो ये नकली मास्क बांटने का काम कर रहा है, देख लीजिए नकली है, नकली मास्क हेमंत सोरेन ने यहाँ पर सदन में बांटने का काम कर रही है। जब सदन में ये हेमंत सोरेन जी की सरकार जब हमारे जनप्रतिनिधियों को धोखा दे रहे हैं, यहाँ के हमारे कर्मचारियों को धोखा दे रहे हैं, हमारे मीडिया के भाइयों को धोखा दे रहे हैं, तो राज्य की जनता के साथ ये सरकार कितनी धोखा कर रही है इसका समझ सकते हैं आप। इसका छोटा सा उदाहरण आपको हमको देने का काम है। ठीक, धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग राजनीति करने का विभाग नहीं है, ये मानवता का विभाग है। स्वास्थ्य विभाग पक्ष और विपक्ष का विभाग नहीं है, ये सभी लोगों के स्वास्थ्य। और हम ये मानते हैं कि विपक्ष के लोग भी हमारे ही भाई हैं, और उनको भी यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होगी तो स्वास्थ्य विभाग मजबूती से खड़ा होगा। रहा सवाल जो हम सैनिटाइजर और ये कर रहे हैं, इसके लिए अब उनका आरोप है तो वो उनका काम है कहना, हमारा काम है करना। मैं ये समझता हूँ कि वो राजेश खन्ना की एक पिक्चर थी कि जो गुनहगार नहीं वो पहला पत्थर मारे, तो इनका जो है 5 साल का हमारी भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने 5 साल में क्या क्या सुधार किए हैं। अभी वो 2 महीना की ये सरकार नहीं बनी है कि एकदम जो है अभी तुरंत उनको सारा चीज़ दिखने लगा कि ये गलत है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिकता में जरूर उनको चेंजिंग करना चाहिए। हम तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है सुरक्षा और सावधानी के लिए कर रहे हैं, ताकि जो पूरी दुनिया में जो महामारी है उस महामारी से बचाव। और N95 जो है, जिस मास्क की आप बात कर रहे हैं, मास्क हर आदमी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। मास्क वही जगह लगाने की आवश्यकता है जहाँ पर जैसे आइसोलेशन वार्ड वगैरह बनाया है, और जो स्वास्थ्य संबंधी जो लोग चिकित्सा कर रहे हैं उनके लिए मास्क की ज़रूरत है, मास्क जनरल आदमी के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे माननीय विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो उनसे आप पूछिए, वो बेहतर बताएंगे।